नमस्कार दोस्तों, कोटोडा टाइम्स में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूं गुनभाखरी गांव में और यहां पर आखा तीज के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और फिलहाल एक छोटा सा बच्चा है जो कि काफ़ी अच्छा डांस करता है, कई बार मैंने भी इसके डांस देखे हैं और आज हम उनके साथ बात करने वाले हैं। हमारी जो बातचीत होगी जो कि गुजराती भाषा में होगी, मैं हिंदी में बता दूंगा कि हमारी क्या बातचीत हुई। हूँ नाम है तार आकाश ने तार गाम नु नाम दलपुरा। तू कितना मा पढ़े? पहला मा पहला मा पढ़े ने तार पप्पा नाम हूँ है ईश्वर भाई। अच्छा ने तुम्हारे घर मा बीजू कौन कौन है? वर है पप्पू ने वर कौन है? अच्छा एना नो नाम है विपुल। विपुल ए हूँ करे कितना में पढ़े? नम्मा में पढ़े। अच्छा ने आ तू भजन गायन एनी वेला नाच है एक कौन है एक वो है? हाँ मुझे को है। तू सीखो है ते कितना दोनों नो नाच है आ भजन में नाच वानो चालू करो है? मैं कहता हूँ इतना नाच इतना ते क्या नाच वाजा तो जेते जतो रहे तो आपने क्या मंदिर है ला मंदिर ना तो। अच्छा ते आ दो त्यूपेर वानों आ कौन है हिकवू है? ए लाविलू है। तार लाविलू है ते ए तू उस पेर है कि तन कोई पेर आवे था नाम रे ते न तू आवर तो इतन कौन है हिकवू हो? पहला उस आवरे है तेकना हीकू ना तो। अच्छा ते तू खाली नाच ऐसे के गीते गाए भजन है गाए? अच्छा केव भजन आवरे थन भजन बाऊ आवाज कम कर रहा केव भजन बाऊ कुवर म कर एक एक मिनट एक मिनट केव भजन भजन बाऊ कुवर करे जो। तो दोस्तों हमारे साथ आकाश है और आकाश जो है वो पहली कक्षा में पढ़ता है, गुजरात की बनासकांठा जिले के दांता तहसील के दलपुरा गांव का निवासी है। उनके पापा का नाम ईश्वर भाई है जो कि यहीं पर साथ में है। और आकाश जो है वो छोटे से ही डांस करता है, पहली कक्षा में पढ़ता है यानी कि 6 से 7 वर्ष का है। आप देख सकते हैं आकाश को और आकाश ने जो कपड़े पहने हैं वो भी धोती और सिर में पगड़ी बांधे हुए हैं और आप देख सकते हैं इसके कपड़ों को भी और काफ़ी अच्छे सुंदर सज धज के ये जो है बच्चा डांस करता है। इससे मैंने बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगल कितने को थी मतलब नासवानो मतलब मोटो था तो नासवानो सालों से रखे के? अच्छा नासवान नासवा में मजा आवे? अच्छा तार मम्मी इन पप्पा ना नहीं पाड़ता हूँ लेवा नासे ने वो नहीं कहता है ते फण वजह ये हूँ करे नासवान उस करे के फणे थे। अच्छा ते साहेब भजन ऊपर न सारे के बीजा गीतों पर ओमस न सारे ते तन के भजन आवड़े मन गई हो पड़ाव के ते आप जन तन कौन है हिकवू है के ते सीखू है? मैं सीखू है। मैं सीखू है ते ए के होपलू पहली वक्त अमी नाटक करता है। के नाटक करता? अमी मंडली या दे नाटक करी के मंडली के जो देते तमार गम्मा। अच्छा ते तू एकलो जाए के तन हाते तार पप्पा ना आवे? पप्पा आवे। अच्छा तार मम्मी तन कूटे के नहीं कूटती? नासवा जाए तन नहीं कूटती। अच्छा ने केर मा तू हूं कोई काम करे? हूं काम करे वाहिदु ने कोने कूटो वाहिदु तन नो खावे ओके के नो खावे हैं वाहिदु नो खवा जाए केतरुक दूर है कर हो है कह रहो केतरुक दूर है कौन थे
कनेस है। अच्छा तितन वाई दुनो को बखे लगे कि खराब लगे हैं? ठीक ला वाई वाई दुनो को तन खराब लगे कि हारू लगे? हारू लगे। ये वो तो मन तो नहीं गम तो तन गमे नेतार दोस्त तार की तरह है एक अस है हूँ नाम है नन विपुल नाम है। अच्छा ये तो तार भाई नहीं ने तार दोस्त तार मार ये मार पाई है एक। अच्छा ग्रुप का फोटो किस मतलब पूरे सब लोग हैं पाई से इस है दोस्त तार भी जो कोई दोस्त तार है इस नहीं साड़ा माँ है नहीं ने तमार शिक्षक ये तमन बनावे मास्टर एनन हूँ नाम है एनन हाँ ओरिया टाइप हूँ नाम है ओरिया टाइप। अच्छा ते तमन क्यों बनावे हाउ बनावे के हाउ नहीं बनाता तो? हारू बनावे ने तन तमारी स्कूल में क्यों मास्टर गमे जिगर टाइप क्यों जिगर टाइप जिगर साहब ते ये तन केम गमे केंटी ओमे थाले पे चिगरी ये तन को। अच्छा तेने अबर त अबर मन हाथे बात करें तन क्यों लगी रू है अबर तन मन हाथे बात करें क्यों लगे है बखे लगे है ते अबर तन तार जीवा गन्ना बदा छोकरा हो पड़े है एनान तार हूँ क्या हुए है कौन नहीं क्या वो मार जेम ना से हम नहीं क्या वो। अच्छा तार बहनी मोटू थे हूँ बनवु है हूँ बनवु है हूँ बनवा संत बनवा है। अच्छा ठीक है तो दोस्तों हमारे साथ था आकाश जो कि दलपुरा गांव का रहने वाला है और उसके पापा भी साथ में है। इसने बताया कि वो संत बनना चाहता है स्कूल के टीचर जिगर भाई करके हैं वो अच्छे लगते हैं। इसके अलावा उसका अपना दोस्त जो है वो उसका अपना भाई है ऐसा उसका कहना है। आप देख सकते हैं इसके पापा भी हमारे साथ हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। ईश्वर भाई तो आपका लड़का बहुत अच्छा डांस करता है आगे आपने क्या सोचा इसके लिए? इसके लिए तो सर कुछ नहीं सोचा अभी तो डांस कैसे करता है वो देखते हैं फिर आगे तो कुछ अच्छा सोचा है। और पढ़ाने के बारे में कहाँ तक पढ़ाने वाले हैं? पढ़ाने के लिए तो सब कुछ ग्रेजुएट करना है इसको। अच्छा आगे पढ़ाना। आप क्या काम करते हैं? मैं तो डेयरी में कर्मचारी हूँ। अच्छा डेयरी में कर्मचारी है। आपके कितने बच्चे हैं? दो चार बच्चे कुल मिला के चार बच्चे। वो सबके छोटे हैं तो एक पहले वो विपुल नाम है ना वो विपुल नाम है वो मेरा बड़ा लड़का है उसके बाद वो लड़की है एक और इसके बाद फिर भी एक लड़की है। तो ये अकेला डांस करते हैं या बाकी तीन भी डांस करते हैं? वो तो नहीं करते डांस। तो इसके अंदर ये कैसे आ गया? वो तो हमारे यहाँ केसला बाजी का भी अभी मंदिर है वहीं पर रोज हमारे यहाँ भजन भी कीर्तन रहता है अठवाड़ी में एक बार रहता है उसके बाद सब देख देख कर सीख गए। आपको कैसा लगता है ये अच्छा डांस करता है? ये अच्छा लगता है मेरे को अच्छा लगता है इसलिए तो इतने दूर तक आता हूँ लेकर। अच्छा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर नाचता है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता है आगे नहीं बढ़ सकता है इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो डांस करता है मगर पढ़ भी सकता है ना उसको समय समय पर डांस करने ले जाता हूँ बाकी के समय पर हम पढ़ाते भी है साड़े में रेगुलर साड़ा मुकल। अच्छा धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे ईश्वर भाई आकाश के पापा ये है आकाश और आकाश के साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा है। आप देख सकते हैं हमारी बातचीत को सुनने के लिए यहाँ पर पब्लिक भी काफ़ी आ चुकी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारे आकाश एक बहुत अच्छे डांसर को बहुत सारे लोग देख सके और उसकी आवाज़ को सुन सके उसके विचारों को समझ सके। और आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटडा टाइम्स में। नमस्कार।